हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह लेकर के जा रहा हूँ, जिसकी मान्यता है कि उस जगह पर श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, उनका वेट कर रही हैं। आज भी वो मंदिर किस स्थिति में है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल हम जमुना जी के पार निकलने वाले हैं, क्योंकि जमुना जी के पल्ली पार लक्ष्मी जी उनका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि राधा जी की वजह से वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाई थी। इस वजह से वो यमुना जी के दूसरी पार ही विराजमान हो गई और आज भी श्री कृष्ण का इंतज़ार वो कर रही हैं। हम फिलहाल इस पुल से जाएंगे। ये एक अस्थायी पुल है, ढोल वाला पुल बोलते हैं जिसे, जो इस तरह से ड्रमों से बनाया जाता है और लकड़ी के पट्टों पर होकर के हमें जाना है, उस पार निकलेंगे हम। और ये आप जमुना जी का दृश्य देख सकते हैं, ये है। तो हम उस पार जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा आगे चल के वो हमें मंदिर मिलेगा, अद्भुत जगह। ऐसे तो पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, कहीं पर भी आप जाएंगे ब्रज क्षेत्र में आपको हर जगह कोई ना कोई ऐसी मिलेगी जहाँ भगवान ने अपनी लीला रचाई होगी। उनमें से ही एक ये स्थान है, काफ़ी शांति प्रिय स्थान है। इस स्थान का नाम है बेलवन और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ऐसा मानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी थी तो लक्ष्मी मैया ने उनके लिए यहाँ पर खिचड़ी बनाई थी, इसलिए यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद जो है वो दिया जाता है। और मेला यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो काल्पनिक हैं तो फिर ये जगह कैसे और इनकी इतनी मान्यता कैसे। तो आज इन सब बातों को लेकर के हम आए हैं और चलते हैं, आपको दिखाएंगे पूरा मंदिर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहना, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है भगवान श्री कृष्ण के लिए और माँ लक्ष्मी मैया के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। और इस जगह का नाम बेलवन है क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि बेल के बहुत ज़्यादा वृक्ष थे। बेल के वृक्ष तो आप जानते होंगे, उसके वृक्ष थे, इस वजह से इस जगह का नाम जो है बेलवन रख दिया गया था। तो आज इस जगह हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो अद्भुत जगह और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर। तो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर है बेलवन का मंदिर। तो हम अभी चलते हैं आगे। तो ये आ जाता है मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही बना हुआ है। इस गांव को पार करेंगे, उसके बाद में हमें माँ लक्ष्मी का मंदिर देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और घंटी वाला आइकन बजा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों के बारे में हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारा इतिहास है, ना कि वो काल्पनिक। लोग कहते हैं वो काल्पनिक हैं, लेकिन काल्पनिक कहने वालों की संख्या काफ़ी कम है और इतिहास मानने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैं फाइनली उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ माँ लक्ष्मी का मंदिर है और यहाँ पर मेला लगाया जाता है। मेला यहाँ पर बृहस्पतिवार को लगता है, यानी कि गुरुवार को लगता है, और 5 गुरुवार को मेला यहाँ पर लगते हैं, यानी कि प्रत्येक गुरुवार को 5 बार मेला यहाँ पर लगाया जाएगा। तो पहला गुरुवार कल निकल चुका है, तो कल मेला लगा था काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर। और आज आप देख सकते हैं काफ़ी शांत है यहाँ का माहौल, और पीछे देखो झूले वूले सब बंद पड़े हैं, यानी कि अगले विस्पित को काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर मेला लगेगा। तो आप मिस मत करना बिल्कुल भी, और आप यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा आज आने का कारण ये था कि अच्छे से मैं दर्शन कर पाऊँगा, क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन काफ़ी भीड़ हो जाती है और गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाती है, 1 किलोमीटर पहले से गाड़ी रोक दी जाती है। इस वजह से मैं आज आया था ताकि मैं आपको पूरी डिटेल में ये समझा सकूं कि आपको आना कब है। तो बृहस्पतिवार को यहाँ पर मेला लगेगा, तो आप बृहस्पतिवार को यहाँ पर आ सकते हैं। सामने मंदिर के लिए रास्ता है और ये मेला स्थली है, यहाँ पर मेला लगाया जाएगा और ये झूला वूला लगे हुए हैं। तो अभी हम आगे चलेंगे, गाड़ी को कहीं साइड में खड़ा कर देते हैं। सामने मंदिर है और यहाँ हमें जाना है, और बाकी हमने प्रसाद ले लिया है, तो अभी यहाँ से अंदर जाएंगे और उसके बाद में आपको दर्शन करवाते हैं। ये बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। महाराज
राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। और ये आप क्षेत्र देख सकते हैं, ये मंदिर के पीछे का क्षेत्र है और यहाँ पर बेल के वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर वैसे ही वृक्ष खड़े हैं। इस वजह से इस गांव का नाम बेलवन है और ये माँ लक्ष्मी का मंदिर है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं माँ लक्ष्मी के, और आप लोगों ने भी अच्छे से करे होंगे। भीड़ थोड़ी कम है इसलिए हो गए हैं, बृहस्पतिवार के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। हाँ, माँ लक्ष्मी का मंदिर बनने की कहानी मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में रास रचा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इच्छा जताई कि हम भी इस रास लीला में शामिल होंगे। तब माँ लक्ष्मी यहाँ आई, लेकिन वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाई थी, क्योंकि राधा जी के प्रेम के आगे लक्ष्मी जी का प्रेम जो है कम था। तो वो यहीं पर बैठ गई, श्री कृष्ण का इंतज़ार करा उन्होंने कि वो आएंगे आएंगे आएंगे। आज भी माँ लक्ष्मी उसी सिचुएशन में यहाँ पर बैठी हुई हैं और कान्हा जी का इंतज़ार कर रही हैं। जब कान्हा जी को जब भूख लगी थी, तो माँ लक्ष्मी ने यहाँ पर खिचड़ी बना के उनको खिलाई थी। इस वजह से यहाँ पर खिचड़ी का जो प्रसाद है वो मिलता है बृहस्पतिवार के दिन मेले में। और ये जो जगह आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरी खाली है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आप लोग समझे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि वो हमारा इतिहास है। उनसे जुड़े हुए ब्रज क्षेत्र में बहुत सारे स्थान हैं जो कि हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं उनका वीडियो बना के, और उनकी कहानी भी आपको हम बताते हैं कि क्या कहानी है, कौन से स्थान की, भगवान कृष्ण ने कौन सी लीला रचाई थी उस स्थान पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर कर देना।